हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम क्रेड एप्लीकेशन के अंदर एडिट करते हैं और अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा था हम कैसे डाटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे और उसको व्यू करा रहे थे। ये हमारा एप्लीकेशन थी, इसको हम देखे कैसे इंसर्ट करना और इसको व्यू कराना हमने देख लिया था। अब गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हमारा व्यू यूजर्स का जो व्यू है, यहाँ पे हमने क्रिएट बटन भी दे रखा था जो कि जा रहा था क्रिएट यूजर वाले फॉर्म पे, कैंसिल करने पे हम यहाँ आ रहे थे गाइस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये एडिट और डिलीट। तो एडिट का आज हम समझेंगे। एडिट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एडिट बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके व्यू में जाएंगे, मतलब यूज़र के इंडेक्स में जो हमारा फाइल है, क्या नाम है, व्यू लिस्ट का, लिस्ट डॉट पी एच पी। तो लिस्ट डॉट पी एच पी हम जाके एडिट का बटन बनाएंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने एडिट का बटन बना रखा है, सी डी एच रेफरेंस यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, बटन बटन प्राइमरी, इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दे रखी है, और एडिट। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने इसके अंदर बेस यूआरएल दे रखा है यूज़र के अंदर जो हमारा एडिट मेथड है गाइस। तो गाइस ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा एडिट करना। ज़्यादातर लोगों को क्रड में एडिट करने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है वैसे तो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र जो हमारा कंट्रोलर है, इसके अंदर मैंने एडिट नाम से फंक्शन बनाया है। ओके, तो ये हमारा यूज़र कंट्रोलर है। क्रिएट हमने देख लिया था, इंडेक्स पे हमने कल देख लिया था। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये एडिट नाम से फंक्शन बनाया है। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे अच्छे से। एक सेकेंड यार, इसको सेलेक्ट ही कर लेता हूँ। ये गाइज, ये भी आपको पता नहीं हो तो, वैसे मुझे पता है, वो पता है नहीं, लेकिन पता नहीं हो तो देख लीजिए एक साथ सारे रिमूव करने का लाइन कमेंट को तरीका। यहाँ पे उसका ऑप्शन मिलता है, वो रिमूव लाइन कमेंट, इस पर जाइए, ये सारे एक साथ हटा भी सकते हैं, और लगाना हो आपको तो सारा सेलेक्ट कीजिए और कमांड पे जाके देखिए, एड लाइन कमेंट आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो सारे पे कमेंट हो जाएगा। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे देखिए, अब हम इसको समझ लेते हैं एडिट वाले को गाइस। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारी लिस्ट डॉट पी एच पी है, मैंने बटन बनाया एडिट का। अब ये बटन बनाने के बाद क्या गाइस, इसमें ये देखिए डॉलर यूज़र, जो मैं इसको कहाँ भेज रहा हूँ, बेस वेरिएबल दे रखा है मैंने यूज़र के एडिट फंक्शन पे। ठीक है, इतना तो समझ आया कि यूज़र के एडिट फंक्शन पे आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इसको यूज़र आईडी दे रखी है। ठीक है, इसके मतलब आर्गुमेंट में मैंने क्या देखिए, यूज़र आईडी पास करवा रहा हूँ। अब ये यूज़र आईडी आ कहाँ से रही है, तो भाई यहाँ तो मैंने यूज़र आईडी दे रहा हूँ, लेकिन यूज़र आईडी इसके पास आ रही भी तो रही होगी कहीं से, वो कहाँ से आ रही है, यहीं से लिस्ट डॉट पी एच पी में। देखिए मैंने यहाँ पे इसको कॉन्केटिनेट करा रखा है, डॉलर यूज़र मतलब जो ये यूज़र है, इसकी जो यूज़र आईडी है, ये यूज़र आईडी यही है मेरी, जो डाटाबेस वाली, डाटाबेस की बात करें तो ये जो यूज़र आईडी है, ये तो जो ये यूज़र आईडी है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ इस एडिट वाले उसमें। गाइस तो यहाँ पे मैं इस यूज़र आईडी को लेके आया हूँ यहाँ पे। तो अगर जैसे मैं इस यूज़र, कोई भी यूज़र की बात करूँ, जैसे अभी यूज़र है आईडी है 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूज़र की, जिस भी यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा, कहाँ गया, लिस्ट डॉट पी एच पी में ये बटन है एडिट, जिस भी यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा तो वो कहाँ जाएगा, इसके यूज़र के एडिट फंक्शन पे तो जाएगा, और उस आईडी को भी लेके जाएगा जिस यूज़र पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूज़र आईडी भी लेके जाएगा। तो मान लीजिए 1 यूज़र आईडी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे ये यूज़र आईडी आ रही है। अब हमको डाटा एडिट करना है, डाटा एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, डाटा जो हमारा है वो एरे फॉर्म में लेके आ रहे हैं अपन। ओके, तो डाटा बेस से, तो अब देखिए डॉलर डाटा यूज़र, ये मैंने यूज़र मॉडल गेट यूज़र, डाटा बेस से डाटा भी तो हमको लेना पड़ेगा ना एडिट करने के लिए, किस डाटा को आप एडिट कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, यूज़र मॉडल से गेट यूज़र एक फंक्शन बनाया, और उसमें जो यूज़र आईडी हम लेके आ रहे थे ना, वो यूज़र आईडी पास कर दी इस फंक्शन में। अब यूज़र मॉडल में चलते हैं और इस फंक्शन को देखते हैं, इसमें मैंने क्या क्वेरीज लिखी है। तो यूज़र मॉडल में आए, हमें देखिए गेट यूज़र नाम से ये फंक्शन है। गाइस तो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्वेरी लिखी है। देखिए गेट यूज़र डॉलर यूज़र आईडी, वो की वही फंक्शन यहाँ पे लिखना है, ये जो मैंने फंक्शन दिया है गेट यूज़र डॉलर यूज़र आईडी,
ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने गेट यूज़र डॉलर यूज़र आईडी दे रखा है। अब फंक्शन गेट यूज़र डॉलर यूज़र आईडी दे दिया है यहाँ पे, तो फिर इसमें मैंने क्वेरी क्या लगाई है, डॉलर दिस टीबी वेयर, डॉलर दिस टीबी वेयर यूज़र आईडी डॉलर यूज़र आईडी। तो गाइस, तो यहाँ पे हमको जो मैंने क्या किया, जो यूज़र आईडी जो मैं लेके आया डाटाबेस की, जो यूज़र आईडी है ये, अगर ये यूज़र आईडी इसको मिल रही है, इसी यूज़र आईडी को हम गेट कर रहे हैं मतलब, और उसमें हम जो यूज़र आईडी लेके आ रहे हैं ना वो पास कर दी, ठीक है। उसके हमने क्या करा, डॉलर डिस टी बी गेट यूजर्स, कौन से में, यूजर्स टेबल में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डिजिटल एरे लिख रहे थे, यहाँ पे हमने लिखा है रो एरे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक रो को गेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम पूरा एरे को गेट कर रहे थे, जब डाटा इंसर्ट कर, डाटा को व्यू करा रहे थे तो सारे डाटा को व्यू करा रहे थे। यहाँ पे सिर्फ हमको एक रो को गेट करना है, एक रो के डाटा को गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं अपन, रिटर्न गाइस, ये रिटर्न करा रहे हैं हम गेट रो के आर को, ठीक है गाइस। और ये वेयर मैंने क्यों लगाया, ये भी आप समझ रहे आ रहा है ना आपको, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे गेट तो करा रहा हूँ, लेकिन कौन सी रो को गेट करा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है डॉलर दिस डी बी वेयर यूज़र आई डी। यूज़र आई डी क्या हो उसकी, जो हम यूज़र आई डी लेके आ रहे हैं वो, इसलिए हमने ये वेयर लिखा है। हमने लिखा है इसको, अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊँ कि क्वेरी क्या लिखी है, हमने हिंदी में बिल्कुल समझाता हूँ आपको कि भाई जो भी हमने यूज़र आईडी पास करी है, वहाँ पे यूज़र आईडी लेके आ रहे थे, देखो यहाँ से यूज़र आईडी लेके आ रहे थे। अब जो ये यूज़र आईडी मैंने इस गेट यूज़र फंक्शन में पास करी, ओके, इसी गेट यूज़र फंक्शन को मैंने यहाँ मॉडल में यूज़ किया। अब ये यूज़र आईडी मैं लेके आ रहा हूँ वहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्वेरी क्या लगाई, डॉलर डिस टी बी वेयर जो यूज़र आईडी है डाटाबेस में, ये जो यूज़र आईडी है हमारे डाटाबेस में, ओके गाइस, एक नंबर जो भी यूज़र आईडी है वो कौन सी यूज़र आईडी गेट करनी है हमें, जो यहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ, जो भी जैसे मैं यहाँ से एक लेके आ रहा हूँ, या चार वाली लेके आ रहा हूँ, या जो भी मैं लेके आ रहा हूँ, वो यहाँ से जो लेके आ रहा हूँ वो हम वो यूज़र आईडी को गेट कर लेंगे यूजर्स में से, ये नहीं चलेगा डुप्लीकेट यूजर्स। ओके गाइस, तो ये हमारी क्वेरी है, मुझे लगता नहीं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेरी में। तो ये हमें गेट की क्वेरी हो गई। अब यहाँ पे हम चलते हैं वापस से, यहाँ मैंने फिर देखिए वापस से फॉर्म वैलिडेशंस लगा दिए हैं कि भाई वो सारी फील्ड रिक्वायर्ड है। ओके गाइस, उसके बाद मैंने आगे कहा अगर ये फॉल्स है तो हमारा यहाँ पे मैंने एक व्यू बनाया है, हमको एडिट का व्यू बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, क्योंकि ये देखिए एडिट का व्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी में ही तो हमारी फील्ड आएंगी। तो आप ये पूरा इसमें क्या कीजिए, जो हमारा क्रिएट वाला था ना, इस पूरे को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, सेम है, बस यहाँ पे हम एडिट करा रहे हैं उसको, ठीक है गाइस। यहाँ पे अभी एडिट का हमारा व्यू आ जाएगा। अब इसमें चेंजेस क्या करने हैं आपको, सबसे पहले तो इसके एक्शन में देख, पहले तो मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले ये एडिट एडिट बटन पर हम क्लिक करेंगे, तो देखिए आप यूआरएल में देखिएगा, एडिट बटन पर क्लिक करते से ये कहाँ जा रहा है, इंटीग्रेट पीएचपी यूज़र एडिट में जा रहा है। और कौन से आईडी लेके जा रहा है, वन नंबर की आईडी लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है वन नंबर की आईडी, देख करके मैं दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए इसकी आईडी वन है, मतलब ये यूज़र आईडी प्रिंट हो रही है यहाँ पे, तो यूज़र आईडी देखिए ये वन लेके जा रहा है। यहाँ पे देखिए एडिट के बाद वन आ गया, और उसका डाटा भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके गाइस, तो ये शो कैसे हो रहा है डाटा, ये भी हम समझेंगे। और जो ये एडिट के बाद वन कैसे आया, तो मैंने आपको बता ही दिया आर्गुमेंट में, हम देखिए यूज़र आईडी जो लेके जा रहे हैं इस वजह से ये वन आया है। और ये जो वैलिडेशंस भी मैंने इस पर लगा रखे हैं, अगर ये वैलिडेशन फेल हो जाएंगे तो ये उसी पर आ जाएंगे, और अगर हमने फेल कर रखा होगा तो दोबारा हम इस डाटा को इंसर्ट करा देंगे डाटाबेस में, लेकिन अपडेट करें फॉर्म में, रिकॉर्ड को अपडेट करके। ओके गाइस, तो सबसे पहले इतना समझते हैं, इस पर भी हम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिक्वायर, ये तो आपको समझ आ ही होगा, और हम बात कर रहे थे एडिट डॉट पी एच पी में, एडिट डॉट पी एच पी में क्या चेंजेस करने हैं आपको, देखिए नेम और ईमेल, ठीक है, यही दोनों चीज़ें एडिट करनी है। सेट वैल्यू पी एच पी को सेट वैल्यू बेटर होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो नेम है इसको सेट करेंगे, और ईमेल है इसको सेट कर रहे हैं हम दोबारा से, एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, उस यूज़र का नेम और डॉलर यूज़र का ईमेल। अब ये डॉलर यूज़र नेम और ईमेल ये कहाँ से आ रहा है, ये आना भी तो चाहिए इसमें एडिट वाले फाइल में। तो देखिए आप यूज़र पे जाइए कंट्रोलर में, तो देखिए मैंने ये जो एडिट वाला मेरा व्यू फाइल है, इसके अंदर मैंने डॉलर डाटा पास कर रखा है, ठीक है। और डॉलर डाटा क्या है, डॉलर डाटा ये है जो हम मॉडल में से गेट करा रहे हैं,
मॉडल में से क्या क्या करा रहा था। मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको ये क्वेरी अभी, कि यूज़र की आईडी, यूज़र और यूजर्स में से उस रो को गेट करा रहे हैं। टू जो हम यहाँ पे देखिए डॉलर यूजर जो वेरिएबल है उसको लेके जा रहे हैं यहाँ पे एडिट वाले में। तो एडिट डॉट पी एच पी में मैंने क्या किया, कॉन्केटेनेट एडिट करा दिया यूज़र एडिट के साथ डॉलर यूज़र, यूज़र आईडी, मतलब जो हम पेज यूआरएल में देख रहे हैं ना यूज़र के एडिट पे जाएगा वो। जैसे हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, इस फॉर्म को जैसे अपडेट करेंगे है ना, ईमेल एडिट, ये एडिट का बटन है, ये कैंसिल का मतलब एडिट पे जाएगा, इसको आप अपडेट भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि तो हम इस फॉर्म को अपडेट करेंगे ना, अपडेट। तो जैसे हम अपडेट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यूज़र के एडिट पे जाएगा और वो यूज़र आईडी लेके जाएगा, समझ रहे हो। ये आएगा यहाँ पे और ये यूज़र आईडी लेके आएगा यहाँ से। ओके गाइस, ये यूज़र आईडी यहाँ पे लेके आएगा। और जो एज रेफरेंस हम समझ रहे थे ना, ये हमारा बेस यूआरएल है, जो ये भी इंडेक्स डॉट पी एच पी यूज़र एडिट डॉट यूज़र आई डी, यूज़र आई डी हमने पास कर रखी है। इससे क्या हो रहा है, ये जो आप यू आर एल में देख रहे हैं ना एडिट, कौन सी आई डी लेके जा रहा है, 1 नंबर की। और जो एडिट पे हम सबमिट करेंगे वो जो यूज़र कहाँ से आ रहा है, ये एडिट डॉट पी एच पी में हम यूज़र की यूज़र आई डी को पास कर रहे हैं, क्योंकि तो यही यूज़र आई डी तो फिर यहाँ पर यूज़ हो रही है। ओके गाइस, इस यूज़र आई डी को हम लेके जा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने सब देख लिया, ये यूज़र आईडी को हम लेके जा रहे हैं। पहले मैंने आपको शायद ये बता दिया था गलती से, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी कि भाई ये वाला जो हम लिस्ट में जो हमारा व्यू है, ये यूज़र आईडी लेके जा रहे हैं, ये वाली नहीं ले जा रहे हैं एक्चुअल में। ये तो हमारा जो लिंक है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ शो हो रही है एडिट के बाद कि भाई आप कौन सी आईडी लेके आ रहे हैं, ठीक है। बाकी फॉर्म का, क्योंकि फॉर्म तो ये वाला अपन अपडेट करेंगे ना यार, अब एडिट पे क्लिक करते से ही वो कहाँ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है एडिट पे, पेज वाला लगा यूजर्स के एडिट पे जाना है और ये यूज़र आईडी लेके जा रहा है अब इस फॉर्म की। ऐसे फिर मैंने देखी इसमें नेम और ईमेल सेम वही फील्ड ले रखी है, यहाँ पे यूज़र का नेम और यूज़र की ईमेल दे देना। ये देने से क्या होगा, ये देने से ये होगा कि आपको देखिए यहाँ पे इसका नाम और ईमेल ये मिल जाएगा। तो उसके बाद हम अपडेट कर रहे हैं, ये अपडेट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ नीरज गोयल फन, और फिर इसे अपडेट करूँगा तो मैं ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी हमने अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो अपडेट की क्वेरी कहाँ लिखेंगे, अगर ये सब चीज़ फील है, ये सब चीज़ हैं तो ये इसको अपडेट कर देगा, वही फॉर्म, मेरे नेम, ईमेल। और यहाँ पे देखिए मैंने अपडेट यूज़र लिख रखा है, अपडेट यूज़र में मैं क्या पास कर रहा हूँ। अब यहाँ हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे जो हम यूज़र आईडी एक तो लेके आ रहे हैं, उस यूज़र आईडी को ही तो हमको अपडेट करना है। तो वो यूज़र आईडी लिया है और जो ये फॉर्म भरेगा जो डाटा है ये हमने इसमें पास कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अपडेट हो जाएगी। अब हम अपडेट की क्वेरी भी देख लेते हैं यहाँ पे आने के बाद। ये मैंने अपडेट की क्वेरी अपडेट बनाया, गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमें यहाँ पे अपडेट यूज़र फंक्शन बनाया मॉडल के अंदर, हम पास करते हैं यूज़र आईडी और फॉर्म आ रहा है, यूज़र आईडी यहाँ से आ रही है, फॉर्म डॉट आ रहा है, मतलब मैं इसका नाम दे दिया, तो ये नेम और ईमेल यहाँ से आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़, क्योंकि ये दोनों हमको अपडेट करना है और इस आईडी के करना है। अब इसके मॉडल में जाएँ तो मॉडल में आने के बाद देखिए मैंने ये जो मेथड आप सेम टू सेम यहाँ बनाएंगे ना, तो ये यूज़र मॉडल के अंदर ये मेथड है, तो वही देना है आपको यहाँ पे, यूज़र मॉडल के अंदर ये मेथड है। अब इसके अंदर हमने क्या क्वेरी लगाई, डॉलर डिस डी बी वेयर यूज़र आई डी डॉलर यूज़र आई डी, जो ये वाली यूज़र आई डी में जो लेके आ रहे हैं और जो डाटा बेस में मिल रही है, उस यूज़र आई डी को किस यूज़र आई डी को अपडेट करना है। इसलिए हमने वेयर लगाया है कि जो यूज़र आई डी हम लेके आ रहे हैं उस यूज़र आई डी को अपडेट करना है, और जो किस चीज़ से अपडेट करना है, जो फॉर्म अरे हम डाटा हम लेके आ रहे हैं उसको अपडेट करना है, किस में अपडेट करना है, यूज़र्स टेबल में अपडेट करना है। तो ये क्वेरी जैसे बननी है इसको ऐसे हम अपडेट करा लेंगे। ओके गाइस,
यहाँ पे भी देख लीजिए ये। उसके बाद हमने क्या किया है, अपडेट होने के बाद हमको मैसेज शो जाना चाहिए सक्सेस रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए यूज़र के इंडेक्स पे। यूज़र का इंडेक्स यही है हमारा जो व्यू है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको देखिए बंद कर दिया है। अब इसको मैं अपडेट करूँ, ये देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर वन ये वन हो चुका है। ओके गाइस, तो गाइस ये ऐसे वर्क कर रहा है। अब इसको हम और आगे चलते हैं। अब इस वीडियो को थोड़ा इतना ही रहने दो, थोड़ा लेंदी भी हो चुका है ये भाई। अगले वीडियो हम देखेंगे कि कैसे इसको डिलीट करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।